नाचे मुकाबला पहले हर क्लास में होता है जिसमें हर बच्चे को पढ़ना कंपलसरी होता है, फिर हर क्लास में पाँच पाँच बच्चों को सिलेक्ट करके उस तरह से होता है, हर बच्चे के लिए मौका देते हैं इस तरह से। टीमों के पिलर होंगे, हाँ ये अलग टीम है, यहाँ हाउस सिस्टम हमारा रहता है, उसी के मुताबिक हमारा पूरा सिस्टम चलता है। हमारे सारी जो ब्रांचेज हैं आपकी जी, कितने ब्रांचेज हैं? 100 प्लस भरतपुर तिलकपुर वहाँ पर है बॉर्डर पर, और फिर उसके बाद में हरियाणा का एक बॉर्डर आता है इब्राहिम बॉस फिरोजपुर जिरका, फिरोजपुर जिरका दोहा जिसको बोलते हैं, वहाँ पर है। वहाँ से जो राजस्थान का है वो तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटे का रास्ता है, 60-70 किलोमीटर अलवर पड़ता है, अलवर हाँ वहाँ पर है हमारे जजिस साहब हैं, और जो फैरोजपुर जिरका में हमारे हैं जावेद साहब। तकरीबन हमारे इधर करीब में हरियाणा में आप जाएंगे तो दिल्ली से जाते हुए फरीदाबाद में हमारा स्कूल है, वहाँ से आगे जाएंगे तो नूह मेवात में है, और फिर वहाँ से जाएंगे इस जानब में पानीपत और सोनीपत में है, और फिर मेन दिल्ली मेन शहर में है जामा मस्जिद से 5-6 किलोमीटर पर है वो मुस्तफ़ा आबाद वगैरह इलाके हैं ना वहाँ पर है, और फिर हरियाणा में वहीं पर फैरोजपुर जिरका में और इब्राहिम बोहा वगैरह में है, फिर वहाँ से जाएंगे तो फिर आपको यूपी में मिलेंगे, बाराबंकी में है, और फिर दिल्ली में है, लखनऊ में है, और फिर वहाँ पर हमारे बहराइच में है, और फिर यहाँ पर दिल्ली में और एक इलाका है नागलोई वहाँ पर भी है इस तरह से। कुल कितने हैं ब्रांचें? 100 है, 105-6 के करीब ऐसे बना मतलब ये होता है मौलाना, अभी हमारी तकरीबन हमारे स्कूल का 13वां साल चल रहा है, तकरीबन सन 2001-2 में 2011-12 में ये स्कूल शुरू हुआ था, तो हमारे स्कूल शुरू करने का मकसद ये था कि तकरीबन इससे कई सालों पहले हमारे जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने हमारे जामिया के अंदर मीटिंगें बुलाई थी, जो पूरे हिंदुस्तान में जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो बासर मुस्लिम शख्सियात हैं उनकी मीटिंग बुलाई थी कि उम्मत के अंदर जो बेदीनी आ रही है जो इलाहाद आ रहा है उसके सत्यपाप के लिए हमें क्या करना है, गलासा कानून का दरोजा उस तो उसमें असल में मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर थी सन 1970 में उज्जैन के अंदर, उन्होंने कहा था कि इस ज़माने का सबसे बड़ा जो इनकलाबी काम है तो जिहाद के दर्जे की तरह उम्मत पर एतबार से ज़रूरी है वो ये है कि मुस्लिम नहीं बल्कि इस्लामिक स्कूलों का क्याम अमल में लाए। मुस्लिम स्कूल तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे मुस्लिम स्कूल तो ऐसे हैं मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल जो गैरों से भी बदतर, गैरों के स्कूलों में भी वो बेहयाई और बेदीनी के वाक़ नहीं होते हैं जो नाम निहाद मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूलों में होते हैं, अल्लाह माफ़ कर। हम अपने आप को उनके सामने हीरो बनाने के चक्कर में हद से ज़्यादा सेकुलर बन जाते हैं हमारे मुस्लिम भाई, और नतीजा ये होता है कि ऐसे काम वहाँ पर होते हैं कि जिसके जहन में आते ही जिसके तस्वुर से ही इंसान दीन से निकल जाता है। जैसे मौलाना अशरफ अली थानवी ने कहा था कि सिर्फ मंदिर में जाकर के घंटी बजाने का नाम नहीं है बल्कि इस्लामी माहौल में रहते हुए पहली सब में नमाज अदा करते हुए तहज्जुद की पाबंदी करते हुए अगर किसी दीनदार शख्स के अंदर ऐसे ख्यालात आ जाते हैं बसा अवकात कि उसके तसव्वुर से भी इंसान इस्लाम से निकल जाता है और कुफर में दाखिल हो जाता है, तो ये इस तरह के बहुत सारे स्कूल थे। और फिर उसमें वहां ने कहा था कि उम्मत का 5% तबका 5-10% रेशो किसी जगह इलाके की बात से ऊपर नीचे होता रहता है कि 5-10% तबका मदरसे में पढ़ता है और 90% तबका वो है जो स्कूलों में पढ़ता है, और इसी जनरेशन के अंदर लोगों के अंदर एक इनकलाबी तब्दीली लाने के लिए जितना बड़ा अरसा बच्चे स्कूलों में असातिज़ा के पास रहते हैं उतना बड़ा अरसा और किसी के पास रहता नहीं, तो गोया के सोसाइटी के अंदर में चेंजेस लाने के लिए सबसे पावरफुल जो इफेक्टिव सोर्स है वो हमारे जो है स्कूलों की लाइन है, इसकी वजह से हम नई नस्ल के अंदर दीन की बुनियादों पर दीन के जो अनासिर हैं एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं।
इसी को सामने रखते हुए बहुत सारे लोगों को बुलाकर बात समझाएगा जो स्कूलों के लाइन में थे। उन्होंने कहा अरे आप लोग मौलवी लोग हैं, उलमा लोग हैं, आप क्या जाने स्कूलों में क्या होता है, हुकूमत का ये प्रेशर रहता है, ये रहता है, वो रहता है, इस तरह की बातें उन्होंने कही। तो फिर मौलाना रावे साहब ने कहा कि देखिए मौलवी इलियास, ये सिर्फ आपके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। तकरीबन 2011-12 में सबसे पहले इस स्कूल का क्याम अमल में लाया गया। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब तो यहाँ पर तकरीबन अभी हमारे पास 2200 बच्चे और बच्चियाँ। अब हमारे प्लान के मुताबिक ये पूरी यूनिवर्सिटी अभी हमारी आइंदा साल से इंशाल्लाह हमारी जो है ना कॉलेज स्टार्ट हो रही है, फिर उसके बाद में पूरा यूनिवर्सिटी का प्लान। और इसको सबसे पहले मौलाना लेकर गए थे, मौलाना का स्कूल बनाने का प्लान नहीं था, मौलाना सबसे पहले लेकर गए थे पूरी यूनिवर्सिटी का प्लान। मनमोहन सिंह उस ज़माने में वज़ीर आज़म थे, तो फिर उन्होंने और उनके पी ने कहा था कि देखिए यूनिवर्सिटी के प्लान को अप्रूवल देने के लिए ऐसा नहीं होता है, आपको पहले केजी का स्कूल, प्राइमरी का स्कूल दिखाना पड़ता है, फिर स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, एक प्रोसेस रहता है। तो फिर उसको सामने रखते हुए, उसी को देखते हुए फिर अलहमदिल्ला इस स्कूल को शुरू किया गया। अब उसकी देखा देखी लोगों के जहन में बात आती गई, तो फिर तकरीबन अभी देख करके लोग स्कूलों को खोल देंगे। हमारे यहाँ कोई मार्केटिंग नहीं है, कोई हमारी तस्वीर नहीं है, बस लोग आते हैं देखते हैं। कई सारे हमारा ऐसे स्कूल हैं जो बड़कल में जमात में आए थे, बस जमात में आते हैं तो उनको यहाँ पर हमारा मदरसा है, जामिया है, हमारा अंजुमन है, उनको दिखाने के लिए लेके जाते हैं अलग अलग दिनों में, उनकी तरतीब बना करके किस तरह से यहाँ पर देखने के लिए आए, बात जहन में आ गई, जा करके अपने अपने इलाकों में स्कूल को खोलते हैं। मौलाना के जहन में भी यही फिक्र है कि किस तरह नई नस्ल के अंदर इस्लाम के ताल्लुक से खुद एतमादी पैदा करने के लिए और तालीम के रास्ते से उनके अंदर, पहले ज़माने में अखलाक से वाकियात होते थे, अब भी ईमान से वाकियात हो रहे हैं, उनके सत्यवाप के लिए क्या करना है, यही फिक्र सवार थी। तो उन्होंने अपने फ्रेंचाइजी को भी बहुत ओपन रखा। हमारे यहाँ फ्रेंचाइजी का मतलब ये नहीं है आपका एग्रीमेंट होगा, ये है वो है, आपकी साइन ली जाएगी, हम साइन करके देंगे, फिर उसकी फीस रहेगी जो नॉर्मल फ्रेंचाइजी में होती है 30-30 लाख, 40-40 लाख रुपये की फ्रेंचाइजी की फीस रहेगी, इस्लामिक स्कूलों की भी है। माना कहा कि आपको काम करना है, बस हमारी फ्रेंचाइजी का मतलब ये है कि आप अपने इलाके में जाकर काम शुरू करें। हमारी किताबें, हमारे खुद की किताबें, शायद उन्होंने आपको बता दिया होगा एकेडमी, तो हमारी किताबें दूसरों के मुकाबले में आपको जो है ना 40-50% डिस्काउंट पर मिलेगी, परसेंट डिस्काउंट पर मिलेगी। उसके अलावा हमारे यहाँ से आपको गाइड किया जाएगा पहले से बिफोर टाइम, जो प्रॉब्लम हम फेस कर चुके हैं उसके डायरेक्ट आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जहाँ जहाँ पर हम लोग फंसे हैं आपको डायरेक्ट वहाँ पर निकलने के लिए राहें मिलेंगी, एक तो ये है। दूसरे हमारे यहाँ से आपको टीचर ट्रेनिंग मिलेगी, इंस्पेक्शन मिलेगा, जो हमारे टीचिंग मटेरियल रहता है वो आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, इस तरह की चीज़ें, और हमारी निगरानी रहेगी, हमारे कॉन्टेक्ट में रहेंगे, हमारा नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसकी कोई फीस नहीं। हमारी बस चार ही प्रिंसिपल हमारे रूल्स हैं, एक तो ये है कि नाम में कोई तब्दीली नहीं, खाली पब्लिक स्कूल APN रहेगा, नंबर दो कोई एजुकेशन नहीं रहेगा, नंबर तीन जहाँ तक हमारी अपनी किताबें हैं 3rd स्टैंडर्ड तक हमारी अपनी किताबें वो आपको पढ़ाना पड़ेगा, और बाकी उसके अलावा जो जितनी भी चीज़ें हैं, आप किसको टीचर हायर करेंगे, उसकी तनख्वाह कितनी रहेगी, आपके बच्चों की फ़ीस क्या रहेगी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहेगा, वो सब आप उसमें आज़ाद हैं, हमारा कोई उसमें इंटरफेयर नहीं, बस ये हमारे फ्रेंचाइज हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तकरीबन हिंदुस्तान भर में हमारे 100 से ज़्यादा हमारे ब्रांचेज हैं। अभी तकरीबन 1-2 महीने से हम खुद उसके पूरे इंस्पेक्शन के लिए गए थे, तो अभी 1-2 महीने के साथ तकरीबन हम 55 स्कूलों में हम खुद अभी जा करके वहाँ पर हमारे 4-4, 5-5 घंटे का हमारा इंस्पेक्शन टूर रहता था, वहाँ पर हम जाते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, फिर मैनेजमेंट के साथ में हमारी अलग मीटिंग रहती है, बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, फिर टीचर ट्रेनिंग हमारे वर्कशॉप होते हैं, हमारी अलग अलग टीमें जाती है। तो अभी मध्य प्रदेश की तकरीबन जो है ना 14 स्कूलों में हम लोग जा कर आए, फिर दिल्ली, हरियाणा, UP, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब की तकरीबन कुल मिला करके जो है ना हम लोग तकरीबन 20-22 स्कूलों में जा करके आए। फिर उसके अलावा हमारे खुद अभी कर्नाटका में 28 स्कूल हैं। तो अभी हमारे अभी परसों इतवार को हमारी कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश के तकरीबन 50-55 हमारे स्कूल हैं, तो उनके मैनेजमेंट की मीटिंग है। तकरीबन जो है ना 150 से 200 लोग हमारे अभी इतवार को आ रहे हैं, तकरीबन 200 के करीब लोग आ रहे हैं। इस तरह से हमारा ये निज़ाम है अलहमदुलिल्लाह।